हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ जो एक बधवा मजदूर की कहानी है, या उन दिनों की कहानी है जब बड़े बड़े ठाकुर, बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े जमींदार अपने छोटी छोटी काम निकालने के लिए बधवा मजदूर रखते थे। उनके पूर्वज से लेकर उनके बच्चे तक बधवा मजदूर ही के रूप में काम करते थे। इस कहानी में एक बड़े बिल्डर, बड़े सरकार और छोटे सरकार हैं जिन्होंने हरिया से पहाड़ के तराई में काम कराते कराते उसकी जान ले ली और एक दिन हरिया मर जाता है। उसका बेटा अपने मुआवजा राम दिन लेने के लिए आता है, जिसके विपक्ष में छोटे सरकार ने उसे लात मारकर भगा देता है। आज भी बहुत ऐसे गांव, बहुत ऐसे बस्तियां हैं जहां बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को हटा देनी चाहिए। बंधुआ मजदूर का समय अब नहीं रहा, अब जो काम करेगा उसे मुआवजा दिया जाएगा। वह अब ना तो बंधुआ मजदूर है, वह बिल्कुल स्वतंत्र है अपने काम से। नमस्कार, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर जरूर करें और कमेंट्स के द्वारा बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। नमस्कार। हाय, सब कैसे हो भाई? ठीक है, काम ठीक ठाक चल रहा है? एक रोड बना दीजिएगा, बैठिए। छोटे, शांति नगर का क्या काम चल रहा है? शांति नगर का काम बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे एक मिनट आप अच्छा, वहाँ का बिल्डिंग का क्या हाल है? बोलो। वहाँ का बिल्डिंग का तो अभी बहुत अच्छा हाल चल रहा है। अभी ये जो पहाड़ के तराई में जो काम चल रहा है, तराई में थोड़ा सा काम अभी बाकी है भैया। वहाँ पे एक आदमी है जो थोड़ा दिक्कत कर रहा है, उसका उपाय। हाँ, रामदिन का क्या हाल चाल है? रामदिन ठीक है, काम करता है? काम करता है। काम चोर है साला? नहीं नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो चला जाए, बैठते हैं। सरकार शांति नगर में हाहाकार मच रही है सर, कुछ कीजिए। हाँ छोटे, ये क्या हो रहा है? शांति नगर में काम नहीं हुआ क्या? थोड़ा दिक्कत है भैया, हो जाएगा। जा, जो रास्ते में आ रहा है उसे तो खत्म कर दिया। आप बोल रहे हैं ठीक है, काम आपका हो जाएगा। सरकार, हम यहाँ आए इसलिए कि शांति नगर में किसी घर में पानी नहीं है, बाथरूम नहीं है। हाँ, उसके लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा। क्या छोटे, सब क्या सुन रहे हैं? शौचालय की व्यवस्था की जा रही है, हो जाएंगे। पानी की व्यवस्था जल्दी करो। पानी की व्यवस्था थोड़ा सा PWD से काम चल रहा है। अच्छा, वो हो जाएगी, हो जाएगा आपका काम। क्या सरकार, मेरा काली पहाड़ से लूट मार हो रहा है बराबर। क्यों? उनको व्यवस्था नहीं है, दिन दहाड़े छीन छोड़ कर लेता है लड़का लोग। ठीक है, व्यवस्था मेरा आदमी रहेगा वहाँ पर, और वहाँ पे रोड बनना चाहिए। एकदम रोड बनेगा और सब भक्त को, भक्त के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं होगी। वहाँ पंडित अपना मनमोना कर रहा है, जैसे 2000 लगेगा पाटा चलाने का, ये सब पे बैंड लगना चाहिए। पाटा नहीं, वो तो नहीं होगा ना, गरीब लोग भी जाते हैं। गरीब लोग हम लोग जाते हैं।
ध्यान दीजिए, ये बहुत दिन से चल रहा है लेकिन कोई काम नहीं। और 5000 एक रुपया देना होगा उसको। ऐसा क्या उल्टा होगा? इस बाबा को हटाया जाए, ये बाबा की जगह पर दूसरा बाबा रहेगा। ये काम करिए, बस मेरा यही अनुरोध है। ठीक है, जाइए, आपका भी होगा काम। हमारे पिताजी काम करते हुए मरे ना। तो पैसा किस बात की रे? रोटी के लिए। रोटी के लिए? यहाँ पे हराम का रुपया है रे, रोटी खाएगा? अपने बाप से जाके पूछा कि हमसे जो तुमने पैसा लिया था, तुम्हारा बाप ने, तुम्हारा बाप बंधुआ मजदूर था, अब तू बंधुआ मजदूर है, तू कुत्ता है, कुत्ता, मेरा कुत्ता। तेरा बाप गलत काम कर रहा था इसलिए मारा गया, और आज से तू मेरा काम करेगा, तू मेरा बंधुआ मजदूर बन के रहेगा, समझे? समझे सारे?